एग्जाम वॉरियर्स, मैं दीपा वर्मा अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों, हम अपने विज्ञान में क्या विद्युत पढ़ रहे थे, है ना। अभी तक विद्युत के आपके क्या कॉन्सेप्ट चीजें समझे और उसे जो प्रश्न हो सकते हैं उसको देखा, है ना। तो अभी इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आंकिक प्रश्न। देखो बच्चे, कभी कभी क्या हो रहा है, समझ रहे कि आप लोग अभी एकदम प्रेशर में हो, है ना। और ये प्रेशर आज के लिए क्या है, भले लग रहा है कि बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अब लास्ट में तो कुछ चीजें समझ आना भी छूट जाता है ना। तो अब क्या करना है, एकदम धैर्य के साथ पढ़ना है, और जितना पढ़ लिया ना बहुत है। बस कुछ चीजें क्या है, विज्ञान की आपकी 2 से 3 चैप्टर बची है, वो भी क्या है, 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो भी चीजें हो रही हैं उसके बाद आपको नया नहीं पढ़ना है। मान लीजिए अगर आज आप 20 तारीख है ना, तो 22 तारीख के बाद आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। 22 तारीख के बाद क्या, आप पूरे सब्जेक्ट्स पर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन हम बीच बीच में आपसे जुड़ते रहेंगे, आपकी क्वेरीज सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। आपको लगता है कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, वो सब चीजें हम बताते रहेंगे। आपका पेपर, हमारा पेपर, हमारे बच्चों का पेपर जब तक नहीं हो जाएगा हम आपको नहीं छोड़ेंगे, है ना। आगे भी हमको तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये समझ के चलिए, पूरा अभिप्साओं की टीम आपके साथ है, आपके पूरा पेपर को पास करा के मेरिट मिला के ही दम लेंगे, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से पढ़ो। लगता है कभी कभी बहुत टेंशन होती है कि कैसे होगा, क्या होगा, रात को नींद नहीं आती होगी, नींद खुल जाता, मतलब क्या है, बहुत सही पढ़ रहे हो। जिस किसी को भी ये हो रहा है ना, घबराहट हो रही है, ये हो रही है, कुछ दिन की बात है, बस थोड़ा सा और रहो, बस पुश करो अपने आप को, है ना, बस ये। और अपने लाइफ का गोल क्लियर करो, भाई मेरे को 10वीं, अभी क्या है, 10वीं पास करना है, पास बस नहीं करना है, अच्छे मार्क्स लाने। पास होना और मार्क्स लाने में बहुत अंतर है। पास तो आप लोग कर ही लोगे, मेरे बच्चों पे इतना भरोसा है, लेकिन हमको क्या करना है, हमें अच्छे मार्क्स लाने। तो अच्छे मार्क्स के लिए फुल तैयारी करनी है ना। तो अब ही लग जाओ, हो गई जितनी ऊपर नीचे करनी थी, टाइम हो गया, सब हो गया, टाइम है, हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी तैयारी अच्छे से करते रहो। चलो ठीक है, हम अपने विद्युत वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। भाई ये क्या था, इकाई छठवां था, है ना। इसमें से हमने विद्युत धारा परिपथ चालू किया था, ये मार्क्स है। तो आज हम क्या देखेंगे, इसमें से आंकिक प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। विद्युत धारा एवं परिपथ, ठीक है। देखो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं ना, तो चलो क्या पहले हम लोग पूरा रिवाइज कर लेते हैं, अपने क्या क्या चैप्टर में पढ़ा था, फॉर्मूला देख लो। पहले क्या पढ़ा था भाई, आवेश, है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, विभव या विभवांतर। तो विभव क्या होती है भाई, कार्य बट्टा आवेश, मतलब वर्क अपॉन क्यू। और विभव का क्या होता था, मात्रक वोल्ट, ठीक। फिर हम धारा पे आए, धारा क्या होती है भाई, आवेश की प्रवाह की दर, मतलब आवेश बट्टा समय। आवेश धारा क्या हो गया, आई, तो ये क्या हो गया, क्यू बट्टे टी। धारा का मात्रक क्या होता था भाई, एम्पियर, ठीक है। ये था, इतना पढ़े थे। और क्या पढ़ा था भाई, फिर ओम का नियम, जो क्या बताता है, V समानुपाती है I के, तो समानुपात को हटा दे तो R I, सो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपॉन R, या V इज इक्वल टू I इंटू R, या R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, ठीक है। तो इसका क्या होता था, मात्रक ओम, ठीक है। अब बताओ आर किस पे डिपेंड करता था, आर डिपेंड करता था लंबाई पे, और आर डिपेंड करता था इसके तार चालक के क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो हम क्या कहते थे, आर एल अपॉन ए, सो यहाँ पे हम लोग समानुपात को हटा दिए तो क्या लगा है, रो एल अपॉन ए। तो ये रो क्या होता था, प्रतिरोधकता, है ना। और इसी की मात्रक क्या होती थी भाई, रो की ओम मीटर, ठीक, ये हो गया। अब आगे है जो, और क्या पढ़ा था हमने, विद्युत शक्ति, शक्ति मतलब क्या हो गई, कार्य करने का दर, है ना, या बोला जाए P इज इक्वल टू क्या था, V इंटू आई, ये होता था, है ना। विद्युत शक्ति का क्या होता था भाई, यूनिट वॉट, ठीक है। उसके घरे परिपथ में पढ़ते, परिपथ में क्या होता है, किलोवाट पर आवर, ठीक है। इतनी चीजें पढ़ी थी, है ना। इसी के बेस पे क्या है, हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने। चलो आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्या, एक विद्युत बल्ब 1 मिनट में 2400 जूल ऊर्जा खपत करता है, तो उस बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए, है ना। क्या बोला है,
हमने क्या देखा था, सूत्र डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक, चलो आ जाते हैं। एक विद्युत बल्ब एक मिनट में 2400 दिया है, क्या दिया है, ऊर्जा 2400 जूल। समय कितना दिया है, एक मिनट, मतलब इसको सेकंड में चेंज करोगे तो 60 सेकंड। ठीक, शक्ति क्या होती है भाई, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। ठीक, यही ऊर्जा हुई, तो 2400/60, ये कटा ये 40, तो क्या आया भाई, 40 जूल पर सेकेंड, और यही क्या होता है, 40 वॉट। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 40 वॉट। उस बल्ब की शक्ति कितनी होगी भाई, 40 वॉट। ठीक, चलो आगे आ जाओ। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, ठीक, 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब क्या हो गया भाई, विद्युत धारा क्या होती है, आवेश बट्टा समय। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, हम लोग धारा कहते हैं। तो दिया क्या है, विद्युत धारा I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक, और क्या दिया है भाई, समय 20 मिनट, मतलब क्या होगा, 20 × 60 क्या हो जाएगा, 1200 सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, विद्युत आवेश, तो क्या हो जाएगा, अतः देखो, विद्युत धारा आवेश बट्टा समय, तो आवेश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुणित समय। विद्युत धारा कितना दिया है भाई, 0.5, समय कितना हो गया, 1200। ठीक, मल्टीप्लाई करो, 5/10, 1200, ये कटा 600, कितना होगा, 600 कूलम। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, अतः विद्युत परिपथ से प्रभावित होने विद्युत आवेश का मान क्या होगा, 600 कूलम। और आपको ये पूरा क्या है, पूरे सेंटेंस में लिखना होगा। ठीक है, तो इसका कितना उत्तर आया, 600 कूलम। ठीक, आगे चलो, चित्र में R1, R2, R3, R4, R5 सभी प्रतिरोधों का मान दिया है, तथा प्रतिरोधों के विन्यास के लिए 12 वोल्ट संयोजित किया गया है। मतलब क्या दिया है, इसमें विभव दिया है। ठीक है, परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा, इक्विवेलेंट निकालना है, और परिपथ में प्रभावित कुल विद्युत धारा क्या होगी। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। ठीक, चलो चलो देखो, अब मान पहले रख लो, R1 कितना है, 10 ओम। ठीक, उसके बाद R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम, और R5 60 ओम। अब ये देखो, ये दोनों क्या है, एक ही, इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा, और इसका दूसरा सिरा, दूसरा सिरा, दोनों क्या है, एक साथ जुड़े हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, समानांतर में। ठीक है, इन लोग भी क्या होंगे, समांतर में। ठीक, चलो बनाते हैं।
चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, है ना। पहले दिया क्या है यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। दिया है विभव कितना दिया है पूरे परिपथ का, देखो 12 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद प्रतिरोध पूरा सबका निकालना है तो हमें इक्विवेलेंट निकालना है। अब ये देख लो, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, और ये दोनों तीनों क्या है, पैरेलल में। तो पहले ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। आर इक्विवेलेंट वन क्या होगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ठीक। तो उधर क्या था भाई, 10 और 40, 1/10, 1/40, एलसीएम कितना आया 40, 4 × 1, 5/40, सॉरी 1/r इक्विवेलेंट क्या है 5/40, तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 40/5, 8 ओम, ठीक। एक ये आया, अब ये वाले का ले लेते हैं r इक्विवेलेंट 2, ठीक। r इक्विवेलेंट 2, 1/r4, 1/r5, सॉरी r3, r4 और 1/r5, ये क्या क्या था भाई देख लो, 30, 20, 60, 30, 20, 60, चलो रखो 30, 20 और 60, ठीक। एलसीएम ले लो कितना आएगा, 60 से जाएंगे क्या तीनों, 100, 120, ठीक। तो ये क्या होगा 4, ये होगा 6, ये होगा 3, ठीक। क्या हो जाएगा 6×10/13/120, ठीक। सो आर इक्विवेलेंट 2 क्या हो जाएगा, ये फिर 1/r, आर इक्विवेलेंट 2 क्या है 13/120, सो आर इक्विवेलेंट 2 क्या आ गया 120/13, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या दिया है चित्र में, R1, R2, R3, R4, R5 दिए, ठीक है। ये दिए R1, R2, R3, R4, R5, ठीक। तथा प्रतिरोधक के विन्यास का 12 वोल्ट संयोजित है, मतलब क्या बोल रहे हैं भाई ये, 12 वोल्ट क्या इसका विभव दिया है ना। परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ में प्रवाहित हो रही धारा ज्ञात करना, ठीक। चलो पहले तो देख लो R1 की वैल्यू कितनी है भाई, 10 ओम, R2 40 ओम, ठीक, ये 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम, ठीक। अब ये देखो, हम जब समांतर श्रेणी पढ़े थे, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े थे, ठीक है, तो क्या बताया था हमने, यदि प्रतिरोधों का प्रथम प्रारंभिक और अंतिम दोनों एक साथ जुड़ा हो तो क्या होता है, ये समांतर में होते हैं, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक साथ जुड़े हैं तो ये क्या होंगे, समांतर में, ठीक है। वहीं पहले का दूसरा बिंदु दूसरे का पहला एक साथ जुड़ा हो तो वो क्या होता है, श्रेणी, ठीक है। इतना पढ़े थे, तो ये देखो ये दोनों किसमें है भाई, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है और ये तीनों पैरेलल में। लेकिन जब ये दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये दोनों का इक्विवेलेंट, तब किसमें आ जाएंगे भाई, ये श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक। कैसे होंगे देखना, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, R1 और R2 का क्या होगा, R इक्विवेलेंट 1 क्या होगा भाई, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक, 1/10/1/40, एलसीएम आया 40, 4 × 1, 5/40, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक। सूत्र क्या होता था भाई समांतर श्रेणी प्रतिरोधों का, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, ये होता था प्रतिरोधों का संयोजन समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, 8 ओम, ठीक। अब आ जाओ दूसरे में, R इक्विवेलेंट 2, अब इन तीनों को ले लो, 1/30, 1/20 और 1/60, एलसीएम निकालो क्या आएगा, 60, 2 × 3 × 1, 6/60, सो 1/R इक्विवेलेंट 2 बराबर क्या हो जाएगा, 6/60, देयरफॉर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 60/6 = 10 ओम, ठीक। तो देखो इस पूरे की वैल्यू क्यों आई भाई, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई है, R इज इक्वल टू 8 ओम,
और इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, R इज इक्वल टू 10 ओम। अब ये देखना, ये दोनों मिलके एक हो गए और ये दोनों मिलके एक। जैसे इसको अगर ओपन करोगे, यहाँ पे क्या था, एक आया, ये एक आया, लेकिन धारा ऐसे बह रही है और ऐसे आ रही है, मतलब इसका प्रारंभिक, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये किस में आ गए, अब श्रेणी में, मतलब क्या होगा, R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ठीक, ये ऐसा होगा, ठीक है। चलो इसको अच्छे से बना लेते हैं, चूंकि संयोजी प्रतिरोधक अब क्या है, श्रेणी में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2, तो क्या होगा, 8 प्लस 10 बराबर 10 धन 18 ओम। तो पूरे पूरे जो हमें दिया है परिपथ, उसका संयोजी प्रतिरोध कितना हो गया भाई, इसका पूरा प्रतिरोध कितना हो गया हमारा, 18 ओम, ठीक। अब देख लो विभव कितना दिया है हमें, 12 वोल्ट, ठीक है। तो धारा बराबर क्या होता है, याद करो, पढ़ाई हूं, विभव बटे प्रतिरोध, यही होता है। विभव का मान कितना है भाई, 12 वोल्ट, प्रतिरोध कितना आया, 8 ओम। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0.66 आएगा, मतलब 67 एम्पियर, ठीक। तो धारा कितनी आई भाई, 0.667, ठीक है। तो पहला क्या पूछा था, प्रतिरोध में कुल प्रतिरोध कितना होगा, और दूसरा था परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो आप क्या लिखेंगे, उत्तर पहला, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हुआ, 18 ओम, और धारा कितनी हुई, 0.67 एम्पियर। इतना लिखोगे तब पूरा आंसर आपका कंप्लीट होगा, ठीक। इसमें क्या था, आपको सर्किट दिया था, एक श्रेणी का आपको एक संयोजन का निकालना था प्रतिरोध, दूसरे संयोजन का प्रतिरोध निकालना था, फिर दोनों को क्या किया आपने, श्रेणी में किया, ठीक, श्रेणी में किया। तब क्या है, आपका एक आया था 8 ओम, दूसरा आया था 10 ओम, दोनों को प्लस किया तो पूरे सर्किट का कितना आया, 18 ओम। और फिर क्या किया आपने, विभव क्या दिया आपको, 12 ओम दिया है। धारा बराबर क्या होता है, विभव बराबर विभव बटे प्रतिरोध, ठीक है। तो आप दोनों मान रखा, तो आपका धारा कितना आया, 0.67 एम्पियर, ठीक। इस तरीके से सूत्रों को याद करते हुए बनाना है, जैसे बोलते हैं ना, सूत्रों को ज्ञात के अनुसार हमने ये बनाया, तो आपको भी सूत्रों के अनुसार पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। चलो आगे आ जाओ, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता भाई, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी को एक जैसी करंट दी जाती है, बल्कि क्या है, आपको बल्ब को अलग इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पंखे को अलग इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसलिए क्या है, इन्हें क्या है, समांतर श्रेणी में किया जाता है, क्यों, ताकि प्रत्येक जो उपकरण है उसको क्या है, उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सके, हम करंट प्रोवाइड कर सके, ठीक। दूसरा क्या है, विद्युत लैंपों में तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का ही उपयोग क्यों होता है, टंगस्टन का ही उपयोग क्यों होता है, क्योंकि ये उच्च गलनांक होता है और इसकी उच्च प्रतिरोधकता होती है, इसलिए क्या है, ये जल्दी गलता नहीं है और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमको क्या है, उपकरण को चलाने में प्रोड्यूस करता है, इसलिए क्या है, हम इनको क्या करते हैं, टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलो आगे आ जाओ, अब विद्युत परिपथ से संबंधित निम्न घटकों के आपको क्या करने, संकेत बताने, ठीक। चलो देखो, सेल का क्या होता है, हम कैसे बनाते हैं भाई, बैटरी, ठीक है, बैटरी दिख रहा है, ठीक, बैटरी को कैसे करते हैं, ठीक, प्रतिरोध, ठीक, धारा नियंत्रक, ठीक, धारा नियंत्रक और परिवर्ती प्रतिरोध दोनों एक ही होता है, ठीक है, संधि तार, जुड़ा हुआ तार, बिना जुड़ा हुआ तार कैसे होता है भाई, ऐसे होता है। फ्यूज को कैसे लिखते हैं भाई हम लोग,
ठीक है, ये डायग्राम देख लो एक एक बार अच्छे से, सेल को ऐसा लिखते हैं, बैटरी को ऐसा बनाओ, प्रतिरोध को ऐसे कॉपी में बनाते चलो साथ में, है ना बच्चों। धारा नियंत्रक ऐसा हो गया, धारा नियंत्रक परिवर्ती प्रतिरोध दोनों एक होगा, संधि तार जुड़ा होता है, बिना संधि तार ऐसे आपको निकालना है, फ्यूज को ये बनाना है, ठीक। चलो आगे आ जाओ, अमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक, बल्ब, धारा मापी, गैल्वेनोमीटर, ठीक, दाब कुंजी बंद, दाब कुंजी खुला, ठीक, टेप कुंजी बंद, टेप कुंजी खुला, ठीक, इतनी चीजें आपको बनानी है, पेपर में आता है, ठीक। चलो आगे आ जाते हैं, 2 ओम 3 ओम 5 ओम के तीन प्रतिरोधकों को आप किस तरह प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य प्रतिरोध 2.5 हो, ठीक। मतलब आपको क्या है, 2 ओम दिया है, 3 ओम और 5 ओम, अब तीनों को अगर हम समांतर श्रेणी में करें तो क्या होगा, देखते जाते एक कंडीशन, तीनों किस में हो, श्रेणी क्रम में हो, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या होता है भाई, R1 + R2 + R3 होता है, 2 धन 3 धन 5, कितना आया, 10 ओम, नहीं हो पाएगा। अब देख लेते हैं समांतर में, 1/2 1/3 1/5, 30 15 10 6 21/30, सो 30/21, ये भी नहीं आ रहा है। अब देखते हैं दूसरा, ये दोनों को हम क्या करें, श्रेणी में रखें और इसके साथ क्या करें, हम लोग पैरेलल कर दें, मतलब 2 धन 3 और ये 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला आर 2 धन 3 = 5, अब ये टोटल क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक, तो क्या हो जाएगा, R 1/R, अब ये दोनों पैरेलल में है, 1/5/1/5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/5, मतलब 2/5, सो R इज इक्वल टू 5/2, मतलब 2.5, यही वाला कंडीशन होगा, ठीक। तो आपको पूरा पेपर में अगर कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे आता है तो ऐसा सॉल्व करके देख लो पीछे, उसके बाद फाइनल बनाओ, ठीक। तो चलो आ जाते हैं, क्या देते हैं, दिए प्रतिरोधों का संयोजन क्या होगा, R1 = 2 ओम, R2 = 3 ओम, R3 = 5 ओम, तो क्या लिखेंगे, R1 व R2 श्रेणी क्रम में, ठीक, तो क्या होगा, R = 2 धन 3 5 ओम, ठीक, यहाँ पे आप पहले लिख लो R1 + R2, सो 2 + 3 = 5 ओम। अब जो R equivalent 1, R equivalent 2, R3 समांतर क्रम में होंगे, सो फाइनल R क्या हो जाएगा, R टोटल 1/R equivalent + 1/R3, तो क्या हो जाएगा, 1/5 + 1/5, 1/8 टोटल, तो 1/8 टोटल क्या हो जाएगा, 2/5, तो R टोटल क्या होगा, अब प्रतिलोम उल्टा कर दो, 5/2, तो क्या आया, 2.5 ओम, ठीक। तो लिखोगे, अतः
2 ओम 3 ओम को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करने के बाद इसे 5 ओम से समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। ठीक, क्या बोलोगे? चित्र बना के दिखा दो भाई। दो व त्रिनों श्रेणी क्रम में व 5 ओम समांतर क्रम में संयोजित होंगे। ठीक, ये होगा उत्तर। ठीक, चलो आगे प्रश्न में आ जाओ। यदि 8 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया जाए जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगुना हो तो इसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग को प्रतिरोध कब क्या था, आर बताओ, किसके एल के समानुपाती था और आर एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक, तो देख लेते हैं। चलो देखो, प्रतिरोध कितना दिया है, R बराबर 8 ओम। नया प्रतिरोध मान लेते हैं, क्या होगा, R2 ओम। ठीक, प्रश्नानुसार प्रतिरोध क्या होता है भाई, R इज इक्वल टू क्या होगा, चलो मान पहले तो देख लेते हैं तार की लंबाई। ठीक, ये देख लो, समझ लो ये 2 मीटर है ना, और इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहा है, इसको आधा तार, नया तार बना रहे हैं, इसका क्षेत्रफल दुगना है। अब इसी तार से बना रहे हो तो क्या होगा, आपने इसका क्षेत्रफल दुगना कर दिया, मतलब क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर है, वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो 2 सेंटीमीटर हुआ, तो इसकी लंबाई क्या हो गई, 2 मीटर थी, अब वो कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से देखो, अगर हमारा क्षेत्रफल दुगना हो रहा है तो लंबाई क्या होगी, उसकी आधी होगी। ठीक, तो देखो लंबाई क्या हो गई, L। ठीक, क्षेत्रफल, ठीक है, तो प्रथम तार का क्या है, प्रथम तार के लिए, ठीक है, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L1 अपॉन A1। ठीक है, अब क्या हो रहा है, दूसरे तार के लिए इसका एरिया बढ़ा लेकिन क्या हो गया, इसकी लंबाई आधी हो गई। ठीक, तो अतः द्वितीय तार के लिए लंबाई आधी, क्षेत्रफल 2A। ठीक है, तो R2 क्या हो जाएगा, रो L upon 2 2A, इसको क्या लिख सकते हैं, रो L upon 2, 2 नीचे आ गए, 4A। ठीक, ये हुआ। अब L1 और 2, क्योंकि हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं L1 और L2, क्योंकि लंबाई क्या है, लंबाई इसकी आधी हो गई, तो L1 upon 2, एरिया A1 का डबल हो गया, इसलिए 2A1। ठीक, अब देखो समीकरण 1 से क्या रखो, रो L1 upon A का इतने का मान रख दो। ठीक, चलो इधर आ जाओ, L2 बराबर क्या आया था भाई हमारा, रो L1 बटे 4 A1। ठीक, तो 1/4 को अलग करो, रो L1 upon A1। ठीक, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, ठीक है, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, और इसका मान क्या था भाई, समीकरण 1 में देख लो, R1। ठीक, तो यहाँ पे क्या रखो, R1, तो 1/4, R1 की वैल्यू कितनी थी, 8, 8/4 बराबर क्या आया, 2 ओम, तो R2 कितना आया, 2 ओम, तो अतः क्या हुआ, हमारा जो नया प्रतिरोध क्या हो गया, वो 2 ओम हो गया। ठीक, क्वेश्चन वही था पहले से, नए तार का प्रतिरोध कितना होगा,
अतः नए तार का प्रतिरोध टू ओम होगा। ठीक, आपको इतना लिखना होगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या है भाई, देखो हमेशा याद करना, क्षेत्रफल दुगना हो रहा है तो क्षेत्रफल दुगना होगा तो तार की लंबाई तो उतनी ही है ना, तो क्या हो जाएगा, तार आधा हो जाएगा और लंबाई चौड़ाई ऐसे हो जाएगी। ठीक, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्षेत्रफल दुगना हो रहा है मींस लंबाई घट रही है। ठीक है, तो पहले वाले का L1 है तो उसी का आधा हो जाएगा L1/2, और क्षेत्रफल A1 है तो उसका क्या हो जाएगा, AA2A1। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक, चलो आगे आ जाओ। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का अगर घरों में आपको विद्युत शक्ति निकालनी है तो उसका क्या होता है भाई, विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत उपकरणों की संख्या N, विद्युत उपकरण के वाट कितनी वाट दी है, ठीक, कितने घंटे चली है आवर, और क्या है कितने दिन चली है डे अपॉन 1000, फिर जितने भी उसके रुपए दिए होते हैं उसे क्या हम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, चलो देख लेते हैं प्रश्न। घर में 40 वाट की 4 बल्ब, ठीक, 5 घंटे चल रही है, 60 वाट के 2 बल्ब 6 घंटे, 80 वाट के 3 पंखे 6 घंटे। ठीक है, तो इस घर में एक महीने में कितना खर्च आएगा यदि एक यूनिट मूल्य का मूल्य 50 पैसे हो और एक महीने में 30 दिन हो। ठीक, तो पहले अलग अलग क्या करते हैं हम लोग, क्या निकाल लेते हैं, विद्युत ऊर्जा निकाल लेते हैं। ठीक, पहले क्या निकालते हैं, बल्ब के लिए ठीक, संख्या कितनी, व्यय ऊर्जा नंबर, वॉट कितना दिया है घंटे बराबर गुणित दिन बटे 100,000। ठीक, कितने कितने भाई, 4 बल्ब, कितने बल्ब है, 4 बल्ब, उनकी शक्ति कितनी है 40 वॉट, कितने घंटे चलते हैं 5 घंटे, कितने दिन 30 दिन। ठीक, डिवाइडेड बाई 1000, 4×16, 16×5, 16×5=80, 240/10, ये क्या आ गया 40 किलोवाट आर। ठीक, किसके लिए आया, बल्ब के लिए। ठीक, अब दूसरा आ जाओ, किसके लिए हम लोग आ जाते हैं, दूसरे बल्ब के लिए। ठीक, इसमें ऊर्जा कितनी होगी, व्यय ऊर्जा, ठीक वही है, संख्या गुणित शक्ति दिन घंटे बटे 1000। ठीक, तो कितनी है संख्या भाई, 2 बल्ब शक्ति 60 वॉट, 6 घंटे 30 दिन बटे 1000, ये कटा ये कटा ये कटा ये, ठीक, 6×6=36, 36×6=216/10, मतलब ये क्या आया 21.6 किलोवाट आर। ठीक, तीसरा क्या था भाई, 80 वॉट 3 पंखे 6 घंटे। ठीक, पंखे के लिए व्यय ऊर्जा संख्या गुणित शक्ति दिन गुणित घंटे बट्टा 1000। ठीक, संख्या कितनी थी भाई, 6 घंटे 3 80 वॉट, संख्या कितनी है 3, शक्ति कितनी है 80, दिन कितने घंटे, दिन 30, और कितना चल रहा है 6 घंटे। ठीक, आठ दिया 24, 6×18/10, इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, चलो देखो कितना आएगा फिर, 432/10। ठीक, तो ये हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 432.2 ठीक किलोवाट आर। ठीक, तो चलो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तीनों का योग कितना हो गया भाई, पहला कितना था हमारा 24, 21.6
24, 21.6 और ये क्या है 43.2, तो क्या हो जाएगा 6 2 8, 3 और 1 4, 4 4 8, 4 4 8 कितना आया किलो वॉट आर। ठीक, तो कुल ऊर्जा कितनी हुई, कुल व्यय ऊर्जा किलोवाट पर आ। ठीक है, अब देखो कितना दिया है, पर यूनिट का दिया है 50 पैसे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट कहते हैं। ठीक ठीक, तो प्रति यूनिट कितना दिया है पैसे, अतः कुल क्या निकालना है भाई, आपको क्या निकलना है खर्च, अतः कुल खर्च कितना हो जाएगा 88.8.5, तो क्या हो जाएगा इसका जस्ट आधा रुपए, अतः कुल खर्च 44.4 रुपए होगा। ये आपको क्या लिखना है उत्तर। ठीक, ये आया समझ, तो आपको क्या है इसी तरीके से पूरे प्रश्न क्या है सॉल्व करने होंगे। पहले देखो पहले कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला के बाद उसको स्टेप बाय स्टेप देखो और 2-3 बार क्या रीचेक करते चलो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादातर हो सकते हैं कि न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन आएंगे, तो जितने टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते थे मैं वो बता दी हूँ। अब यहाँ पे विद्युत हमारा चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद हम क्या देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव से बस 2 से 3 टॉपिक ही हम कवर करेंगे, फिर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो बस ये फिजिक्स आपका इतना ही था, उसके बाद ऊष्मा ताप वाला जो हरीश सर लेंगे वो आपको 2 दिन में कोबल चैप्टर पूरा खत्म करा देंगे, इसके बाद पूरा फिजिक्स आपका विज्ञान खत्म हो जाएगा। और ये है कि हम अभी इसलिए करा रहे ताकि आपको चीजें तुरंत प्रैक्टिस में आ जाए। ठीक, तो बच्चों बिल्कुल डरना नहीं है, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते जाओगे पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक, तो चलो हम अगले चैप्टर में अगले मिलते हैं, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करो, बेस्ट ऑफ लक।